हमारे साथ दो अवध के लड़के यहाँ पर हैं। अवध की माटी आपको खाद पानी कैसे देती है? पहली बात तो अवध में ही माटी है, सरयू से लेकर गोमती तक जब आप आते हैं इस पूरे इलाके में तो वो उसको पानी दे देता है। और चूंकि यहीं बगल में एक जगह है गोंडा, जिसको गोनर्द कहा जाता था पहले, जो गायें यहाँ पाली जाती थी, और ये पूरा एक इलाका था जहाँ गायें चरती थी, वो गाय चर के उन जगहों को खाद भी देती थी। भाषा की मैं बात करूं अगर आपसे तो अवधिया शुरू होती है, लेकिन हिंदी की बेल्ट जो इधर कानपुर घाटमपुर से आती है और सीधा उन्नाव पकड़ लें, हरदोई की तरफ निकल जाएंगे तो अलग बन जाएगा जी। उन्नाव पकड़ लेंगे, उन्नाव से लखनऊ की तरफ जैसे ही आप आएंगे हिंदी की मुलाकात उर्दू मौसी से हो जाती है। अच्छा। और उर्दू मौसी से जैसे ही मुलाकात होती है लखनऊ से जरा सा आप बाराबंकी की तरफ बढ़े और जैसे ही फैजाबाद की तरफ आगे निकले आप तुरंत अवधि होते ही चले जाते हैं, और पूरा अवध का ही पूरा इलाका है। तो यही की भाषा है जो कंटाप भी कहती है और शुक्रिया भी कहती है, जो रंगबाज भी बताती है और ये भी कहती है कि क्या तकल्लुफ दे सकता हूं आपको। तो ये अवध है, और इस अवध में किसी बहुत बोलने वाले को कमिश्नर भी कह दिया जाता है और किसी खामोश से रहने वाले व्यक्ति को संजीदा भी कहा जाता है। ये अवध है सर। बहुत सुंदर, जिस सुंदरता के साथ आपने वर्णन किया है पूरा, वो वाकई दिल को छूता है और यादें भी ताज़ा करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो अखबार में पढ़ें, पत्रिकाओं में पढ़ें, साहित्य में पढ़ें। तो भगवंत जी, बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति। एक युवा हस्ताक्षर के तौर पर हमेशा से महत्वपूर्ण रहती है, और आज साहित्य आज तक के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रमेय क्या है भाई, लगातार आप कमाल धमाल किए जा रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? ये अवध, अवध की माटी का कमाल है जो मनोज जी ने बताया, क्या वही उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? धन्यवाद सर। समय पे तो मैं बाद में आऊंगा। जो सर ने बोला कि अवधि भाषा जी, अवधि ये क्षेत्र, अवधि क्षेत्र जो है नहीं है, ये आत्मा है। जीवन जीने की एक जो है ना, ये कला है। जैसे कि हम ये बेंगलोर में जॉब ये करते थे, तो वहाँ कोई लड़का आता है तो पूछता हूँ कि आप ये कहाँ से हो, तो बोलता है हम कानपुर से। हमने कहा आप कानपुर से नहीं हो। पूछता तो है क्यों, हमने कहा कानपुर से कोई नहीं होता, कान हीपुर से होता है। कान हीपुर से है, कानपुर एक ना जीवन है। तो जैसे हम ने कानपुर से ये जो है की शिक्षा ली, तो जब हम लखनऊ कानपुर में थे तो हम बोलते थे कि हम क्या करने वाले हैं। जब दिल्ली गए तो मैं तू में बदल गया, लेकिन हमारी ये कंपनी में सिखाया गया था कि टीम क्या करती है, आप क्या करते हैं ये जरूरी रीन नहीं है, टीम क्या करती है ये जरूरी है। तो लखनऊ कानपुर में ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम क्या करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने जो कॉरपोरेट में सीखा था वो लखनऊ कानपुर में बचपन से ही सिखाया खाया जाता है। तो ये अवध की आत्मा है, हमें सीखना है, और यही छोटी छोटी जो चीजें हैं वो जीवन जीना सिखाती हैं, या आपको सुसाइड करना ना नहीं सिखाती है।